इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। साइंडोपा प्लस टैबलेट को खाली पेट भी लिया जा सकता है, लेकिन इस दवा को लेते समय हाई प्रोटीन डाइट और डेयरी उत्पादों से बचना बेहतर है। हालांकि इसे हर दिन एक तय समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में लें, और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो उसे जल्द ही ले लें। अगर आपको बेहतर महसूस होने लगता है तब भी अपनी खुराक कभी नहीं छोड़नी चाहिए और इलाज का कोर्स पूरा करना चाहिए, जब तक डॉक्टर न कहें दवा लेना बंद न करें, क्योंकि इसे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इस दवा से मिचली आना, उल्टी, मुंह में सूखापन, कब्ज और सिर दर्द जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। शुरुआत में जब आप पोजीशन बदलते हैं तो यह दवा ब्लड प्रेशर में अचानक कमी ला सकती है, इसलिए अगर आप बैठे या लेटे रहे हैं तो धीरे धीरे उठना बेहतर होता है। इससे अचानक चक्कर आना और नींद आना शुरू हो सकता है, इसलिए जब तक यह पता नहीं चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता वाला कोई काम न करें। अगर आप लिवर या किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं तो दवा लेने के दौरान सावधानी बरतें। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। साइंडोपा टैबलेट के फायदे। पार्किंसन रोग का इलाज। साइंडोपा प्लस टैबलेट पार्किंसन रोग के लक्षणों से राहत पाने के लिए सबसे प्रभावी दवाओं में से एक है, जैसे कंपकंपी, मांसपेशियों में अकड़न और चलने में कठिनाई। यह मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन की मात्रा को बढ़ाता है जो शरीर के मूवमेंट के समन्वय में मदद करता है। इसलिए यह दवा बेहतर तरीके से दैनिक कार्य करने की क्षमता में सुधार करके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। साइंडोपा टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। साइंडोपा के सामान्य साइड इफेक्ट। मिचली आना, उल्टी, मुंह में सूखापन, कब्ज, चक्कर आना, नींद आना, सिर दर्द, असामान्य सपने, चिंता, अनिद्रा, नींद में कठिनाई, ऐच्छिक गतिविधियों का असामान्य होना, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का कम होना। साइंडोपा टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़े नहीं। साइंडोपा प्लस टैबलेट को खाली पेट लेना चाहिए। साइंडोपा प्लस टैबलेट के साथ अधिक विटामिन युक्त आहार जैसे कि पनीर, स्विस चीज, प्रोटीन पाउडर, अंडे और दूध के सेवन से परहेज करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।